वहां पे लेफ्ट हो जाओगे। ओके तो तानिया आई गेस लेफ्ट हो गई। ओके तो बाय। सभी बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे ही आपने कल देखा था, कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई किया था। अगर आप बच्चे अगर आप क्वेश्चन अगर उनका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फ्रेमवर्क देखोगे, जो आपका सिलेबस था है ना, जो आपका सिलेबस था बच्चा, वो ऑलमोस्ट सेम है जेई के लिए। तो आप ये सोच सकते हो कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपको, अभी ये जो लास्ट के 15-20 दिन का आपको मेजोरिटी आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है ना। तो एक बार हम कल क्या पढ़ते, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे या फिर हम आगे बढ़ते ना। तो बच्चों कल मैंने आपको बेसिक बेसिक टर्म पूछा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। क्या सही बच्चे ने उसको रिवाइज करके आए हैं सारे बच्चे? अनामिका, रमिका, यश, है ना। ओके तो बच्चे बिकॉज एग्जाम में वो क्वेश्चंस काफी पूछते हैं, ठीक है ना, तो प्लीज उसको ध्यान रखना। चलिए ठीक है। गैलन एक्सेल, ये तो बच्चा अपने कलम देखा था बच्चे, देखो है ना, एक होता ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक होता रिडक्शन हाफ सेल। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आपका जाएगा रिडक्शन हाफ सेल के अंदर। जहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड कहलाएगा, जहां पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका कैथोड कहलाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक पार्ट है जो कि हमें आपको प्रॉपरली लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा बच्चे देखो, ये आपका कैलेमोल इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है ना। तो ये बच्चे देखो यहाँ पे लिखा क्या, थोड़ा इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लो, बेसिक अल्फा, ठीक है ना। मर्क्यूरी इज यूज विद द टू अदर फेसेस, दैट इज वन इज द कैलोमल, दैट इज Hg2Cl2। अब बच्चों यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट कर लो, जो आपका कैलोमल पेस्ट है वो क्या बच्चों, वो आपका Hg2Cl2 है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या बच्चों, वहां पे आपका क्लोराइड Cl- आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इलेक्ट्रोड से। इसको आप इस अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड में आपका हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या बच्चों यहाँ पे देखो, ये देखो ये आपका हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखो क्या बच्चों, देखो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका Hg2Cl2 है, तो यहाँ बच्चों का Hg+ में होगा, है ना। इसने आपका दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका HG बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। और ये बच्चा ये पार्ट ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके सिस्टम में होता क्या है। प्लैटिनम वायर होता है जो जुड़ा होता है, ठीक है। सैचुरेटेड केस से सोल्यूशन रहेगा, HG2 एंड Cl2 HG पेश होगा, नीचे आपके यहाँ पे मर्क्यूरी का। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा इसको उड्डन कर ले, ठीक है ना। खाली कुछ नहीं बच्चा, खाली से कॉम्पोजिशन को याद करो, ज्यादा एक्स्ट्रा को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। खाली ध्यान रखो। सर यहाँ पे मरकरी प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट नहीं है बच्चों, मर्क्यूरी आपका बेस फॉर्म में, वहां पे आपका एच वहां पे एकदम बेस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट नहीं है बच्चा, ये अभी थोड़ा सा हाई लेवल में मतलब जाएगा। हैवी सॉल्यूशन टाइप है। हाँ, तो अभी उसका मत देखिएगा। हमने अगर आप अगर मैं बात करूँ, जब हम फोर्थ ईयर में थे तो हमने बहुत कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाया था, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा था, तो बहुत प्रिसाइसली बना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा अलग साइंस है, वो भी जान दो। खाली आप इसका खाली बेस ही याद करो, ज्यादा आपको इसमें करने की जरूरत है। इसमें क्या क्या लग रहा है आप यहाँ पे खाली देख सकते हो, और कुछ ज्यादा कुछ। अगर आपको एग्जाम लिखे SCE क्या होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड तो ध्यान बच्चा, आप सर यहाँ हमेशा ये पे, बात है, आप सर हमेशा यहाँ ध्यान पे रखिए। सूट ब्रिज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, टू द सॉल्ट ब्रिज करके। तो ये आपका आउटर लाइन में यहाँ पे भी एक सर्किट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये खाली आपका मेन पार्ट है, पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, हाफ कंस्ट्रक्शन दिया है। तो इसको मत देखिए अभी आप, जो मैंने जिसको नोट करा इसको प्लेटिनम वायर को नोट कीजिए, सैचुरेटेड केसीय सॉल्यूशन और क्या पेस्ट है उसको नोट, और कुछ बाकी आप बाद में कर सकते हैं, अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दें, और कुछ ज्यादा क्योंकि दो।
यहाँ से इतना इससे मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जहां से क्वेश्चन आएगा अगर वहां पर ज्यादा बात करें तो ज्यादा अच्छा है। बच्चा मैं ये बोलता कि यहाँ देखो कि कैथोड में आपके इलेक्ट्रॉन गेन ही हो रहा है हमेशा, तो ये ध्यान रखना। अगर आपका एग्जाम में कभी कुछ दिखे और आपके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में गेन कुछ हो रहा तो वहां पर आपका कैथोड सेल में आएगा, ये एग्जाम में ध्यान रखना। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चांसेस सर, बच्चा सारे बच्चे यस सर, यस सर। अब बच्चे तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चा अगेन तो ये तो आपका क्या बच्चा, ये तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल पार्ट पार्ट जहाँ पे इन्होंने एलएन यूज किया है। तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए ना, आपको पता ना कि अगर हमको एलएन से लॉग में जाना है तो कैसे जाएंगे बच्चा, क्या करना पड़ेगा, पता है कि नहीं पता है? बच्चा हमेशा ध्यान रखना। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लिखना हाँ, और क्या करेंगे, और हम यहाँ पे 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, पता है ना। देखो अगर मान के पड़ेगा। चलो अगर आपको एल एन यस की बेसिक बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक बेसिक है, अगर आपको लॉग को एल एन को लॉग में चेंज, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई पर यहाँ पे लॉग, तो ये डालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये बेसिक वाला पार्ट है, ये आ सकता है। ठीक है, चलो यस सर, इक्वेशन इक्वेशन बच्चों कैसे बोल सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एच एल एन, ये क्या बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमने इसको देख के चलेंगे ना। तो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखें, है ना, अगर हम इसको डैनियल सेल के टर्म्स में लिखें तो बच्चों देखो ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दो बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम बच्चों कैसे, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, था जिंक, क्या बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज करते, क्या एनोड होता है, ये आपका एनोड है और नीचे आपका कैथोड है। एग्जाम में अगर आपको एनोड कैथोड कैसे याद कर सकते हो, बच्चा लिख सकते हैं दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, मैं खाली यहाँ पे लॉग टर्म लिखता हूँ, लॉग एनोड, ऊपर आपका एनोड आएगा नीचे आपका कैथोड। कैथोड कैथोड आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसी फॉर्म में पूछेंगे और आपको एक्स्ट्रा सच पूछे जो आपको नहीं पूछ रहे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप इसको कैसे, अगर आपको याद नहीं तो कैसे याद कर सकते हो ये भी देखो जरा, ठीक है ना। तो जैसा हमने इक्वेशन लिखा था, देखो जैसा हमने यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन था, कहाँ गया डायनासोर वाला इक्वेशन, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको लिख दो के दो। तो जैसा का जैसा आपका इक्वेशन बच्चों, तो आप इसको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ, जैसे आपको यहाँ पे ये पार्ट दिखाई पार्ट है ना, ये क्या बच्चों, ये आपका कंसर्न सेल पार्ट है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका Zn2 प्लस जा रहा है, कंसंट्रेशन आपका C1 मतलब कि ये कंसर्न यूज करने वाला है। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, Zn प्लस आपका Zn जा रहा है। अब देखो प्रोडक्ट साइड में कौन सा बच्चों, प्रोडक्ट साइड में ये पार्ट, तो क्या बचेगा आप ऑब्वियस, और क्या बचेगा C2 पहले आएगा नीचे C1 आएगा, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखना। और यहाँ पे तो बच्चों ऑलरेडी बोला गया फॉर द स्पॉन्टेनियस, क्या बच्चों ने कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए C1, तो ये आपका कंसर्न सेल में आ सकता है। बेजल अगर मैं बात करूं बच्चों, जब भी पे आपको ये सब टर्म आपको देखा जाएगा तो सारे आपके नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म में आएगा एग्जाम में, तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि सारे बच्चों को नेक्स्ट इक्वेशन पता है, क्या सबको नेक्स्ट इक्वेशन पता है बच्चों? यस अब देखो, अब मुझे अगर आपको पता तो बच्चों एक काम करता हूँ, उसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बच्चा जो जेड जिंक है, वो जिंक बच्चा क्या करता है डेन सेल में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट, तो क्या बच्चा बनेगा, ऐसा बच्चों, बनेगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैसा क्वेश्चन बनेगा बच्चों, हाँ या ना, यस सर, यस। कॉपर बच्चा क्या रहा है, आप बोलोगे कॉपर 2+ क्या करेगा बच्चों, वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा, कॉपर कॉपर बनाएगा बनाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या बचेगा,
यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हुआ, अब आप बोलोगे ये अब हम ये बोलेंगे दैट इज Zn प्लस कॉपर 2+ गिव्स Zn 2+ प्लस कॉपर, है ना। अब देखो हमें बच्चों क्या पता है, हमें ये पता है बच्चों कि जो हम यहाँ पे लेते क्या बच्चों हैं, हम यहाँ पे मेटल लिखते क्योंकि बच्चों ये इसका तो जीरो आएगा यहाँ पे, इसका तो जीरो आएगा आने वाला है, तो क्या लिखे बच्चों हम ऑलवेज आयन से लिखेंगे। तो क्या बच्चों दो प्रोडक्ट साइड में कौन सा आयन बच्चों, आप बोलोगे Zn 2+ है और रिएक्टेड साइड में क्या बच्चों आपका कॉपर 2+ है, तो ऑलवेज बच क्या आएगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। नॉर्मली आप कैसे इसको याद कर सकते हो, अगर आपको जल्दी करना है तो बच्चों आप ऐसे करोगे एनोड यहाँ पे ऊपर आएगा, नीचे क्या है बच्चों का आपका यहाँ पे कैथोड, तो ऐसे भी आप इसको एग्जाम में कर सकते हो। आई होप आप सबको ये पार्ट आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। अब देखो अभी यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा गया है एप्लीकेशन पार्ट, तो एप्लीकेशन पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है। क्यों बच्चों, आपको बोलेंगे केसी निकालो, केसी क्या बच्चों होता है, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बच्चों का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो क्या बचोगा आपका ईसल बच क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा, ईसल बच्चों क्या आपका जीरो, क्यों बच्चा आपका सर में आपका इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बच्चा आपका नेट नेट आपका जीरो बन जाएगा। तो बच्चा क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा जो इक्वेशन था दैट इज ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी वाला पार्ट, क्या बचोगा ये पार्ट कहाँ पे आ जाए बच्चा आएगा, ये आपका इक्वल टू को लेफ्ट साइड में आ जाएगा, जो आपका नेगेटिव पे था वो आपका भी पॉजिटिव में, वो आपका भी क्या बच्चा होगा, वो आपका भी पॉजिटिव टर्म हो गया, ठीक है। अब बच्चा क्या है, अभी जैसा आपका इक्विलिब्रियम में आ गया तो क्या दोनों का सेम आ गया, तो क्या बच्चों क्या लिखे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखे केसी, तो इक्वेशन बच्चों क्या बनता है, हमारा इक्वेशन बनता है ए नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आरटी अपॉन 2f। अब यहाँ पे 2 क्यों आया बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, अगर आप इसका जनरल इक्वेशन तो कैसा बच्चा आएगा, यहाँ पे आपका n आ जाए, तो क्वेश्चन आप बच्चा पर क्या बनता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। फिर बच्चों क्या होगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, अगर आप खाली इसको अगर आप यहाँ पर 2 है तो बच्चा इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों एग्जाम पूछ सकते हैं, अब बच्चों एग्जाम क्या करेंगे, आपको एग्जाम बोलेंगे सर केसी निकालो, तो केसी बच्चों कैसे होगा, जैसे मान चलो यहाँ पे कोई आंसर है तो क्या बच्चों का केसी लिखे क्या करना बच्चों 10 के पावर में पूरा पार्ट आएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ लिखा होगा आपने कि 3.5 इज इक्वल टू लॉग केसी, ऐसा कुछ होगा, तो क्या बच्चों ये आपका बेस 10 है, आपको बच्चों क्या निकालना है, आपको निकालना है केसी निकालना है, तो केसी बच्चा कैसे आएगा, आप लिखोगे केसी इज इक्वल टू 10 के पावर 3.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये मैं आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ये आपका काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे बच्चे। यस ओके अगेन बच्चे बोलो 3.5 हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू है, मान ऐसा में निकाला नहीं है, मैंने मान के चलो कि ये हमारा आपका आंसर ऐसा आया जब आपने पूरा सॉल्व किया, हम अज्यूम करते हैं कि आपका आंसर जिन सबको जब आपने सॉल्व किया तो आपका 3.5 का आंसर आया, 3.5 इज इक्वल टू लॉग केसी आपको वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम क्या बोलोगे, एग्जाम में क्या बोलेगा, एग्जाम आपको ये बोलेगा बेटा आप लॉग केसी मत निकालिए, आप सिर्फ केसी निकालिए, तो क्या आएगा बच्चों जो भी आपका लॉग बेस 10 होगा क्या बच्चों का ये उसके पावर में, मतलब यहां 10 लिख के उसके पावर में चल जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन एंटी लॉग बन जाएगा। जी जी एकदम से बोला है ना, तो मैं आपको सिंपल आपको बता रहा हूँ, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा होगा है ना, भेजा है बच्चों, उसमें अगर थर्ड चैप्टर जाओगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप के फॉर्मेट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, सारे बच्चे में बोल रहा हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट वाला सारे बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं, क्या बच्चा नोट डाउन करना है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन खाली चेंज कर क्या रखना बच्चों को, यहाँ पे आप एन लिख दो अभी के लिए, बिकॉज हमें पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो आपका वहाँ पे आंसर बन जाएगा। आई होप मैं जो मैं आपको बताऊँ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है, डन मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। दूसरा क्या दूसरा बच्चों मैंने क्या देखा, जब मैं रात को बैठ के आपका पेपर बना रहा पेपर आपको फिल्टर कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया बच्चों
आजकल जो एक क्वेश्चन है काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बच्चों, वो क्वेश्चन है आपका गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करके उन्होंने ई नॉट सेल निकाला है, तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, तो वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगी ना। चलिए ओके, ये पार्ट तो हो गया। फाइन, अगर आपको एग्जाम में दिया होगा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में, है ना, तो यहाँ पे क्या बचोगे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, आपको क्या बचोगा, आपको हाइड्रोजन और आपको एचप्लस दिखने वाला है। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन यूज करना है, और आपको बोलेंगे रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो बच गया होगा, आप बोलोगे पी वन शुड बी गेट दस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, ये पार्ट होना चाहिए, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं। आप, मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ बच्चों, खाली आप इसी क्वेश्चन और पता होना चाहिए एप्लीकेशन का, और आपको नर्स्ड क्वेश्चन आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको नर्स्ड क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये क्वेश्चन दैट इज इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ आपको हर एक क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम बना लो, बस पैनिक मत होना। और आपका जो भी, आपका आपको ऐसा लगे क्वेश्चन लंबा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन आप मार्क छोड़ के अब बाकी क्वेश्चन आप वहां पर करें, ठीक है, तो आप तभी भी आपका काम बच्चा आपका बन जाए। समझ में तेरे बच्चों, सारे बच्चे डन? यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत यस। बढ़िया। तो बच्चा ये आपका ये पार्ट हो गया, ये वाला देखिए। चलिए, केसी का मतलब समझना है बस, कोफिशिएंट ऑफ इज, यस एकदम सही। ऋतिका आप एकदम सही जा रहे हैं, एकदम आप सही सही फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, बैटरी सेल तो हम पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। कल एक बच्चे ने बोलते कोरोजन के बारे में, कोरोजन के बारे में, तो यहाँ पे देखो कोरोजन का भी इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, कोरोजन वाला इक्वेशन। तो कल बच्चे बोलता ना कोरोजन आने वाले, सर आएगा कि नहीं आएगा, तो खाली आपको करना क्या, यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों कि आपको यहाँ पे ई नॉट सेल की वाली आपको ध्यान रखना है, कितना कितना आ रहा है, और आपको एनोड में क्या हो रहा है, आपका कैथोड में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, इक्वेशंस पता होना चाहिए। तो एनोड बच्चों क्या हो रहा है, कोरोजन से इलेक्ट्रॉन उतर कोई के, अभी क्वेश्चन आया है क्या? तक तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, अभी तक तो मैंने कोरोजन से क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन इनकेस कल एक बच्चे ने बोला था कि सर बता दो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूछ, ठीक है। ओके और सर, क्वेश्चन मोस्टली जहां तक मैंने अभी तक देखा, अभी तक क्वेश्चन में से क्वेश्चंस कम देखे, मतलब कि ना के बराबर क्वेश्चन जितना मैं देख पाया। चलिए, तो खाली आपको एनोड और कैथोड का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसा होता है बच्चों, ऑब्वियसली गीलापन या फिर आपका क्या वो मॉइस्चर होता है, तो ये देखो यहाँ पे देखो कैथोड में क्या बच्चों, आपके यहाँ पे वाटर पीस हो रहा है, और आपके यहाँ पे एनोड का आयरन टू प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे जा रहा है, तो खाली यहाँ पे आपका ये जब बना क्वेश्चन। ओके, तो एग्जाम में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा आपका ये बन रहा है इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, फिर क्या बच्चा, कंडक्टेंस के बारे में तो हमने कल पढ़ाया था बच्चों, और हाँ ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन से, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पे देखा जा रहा है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी दैट इज कपा इज इक्वल टू वन अपन रो, ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो फिर क्या बच्चा, अगेन ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे दे रही, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपको बच्चों करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा कुछ भी आपको करने से, जो मैंने खाली वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगेन बच्चों देखो, मोलर कंडक्टिविटी जो हमने कल ही पढ़ा था फॉर्म में बच्चों क्या होता है, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या बच्चों का, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी, सी क्या बच्चों कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आप यस मोलारिटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए जी। दूसरा क्या बच्चों, अगेन आपका यूनिट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे आप अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एग्जामिनर ने, जी बच्चा एग्जामिनर, जेई के एग्जामिनर क्या किया है कि यूनिट से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे हुए, कौन सा डायमेंशनलेस है ना, किसके रूट क्या है बच्चों, तो वहां से भी एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। डन मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे। फिर दूसरा क्या बच्चों देखो, दूसरा आपका आ जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जहाँ वहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नॉर्मेलिटी आ जाए और कुछ नहीं, ठीक है। फिर ओके, अगेन देखो बच्चों, जो कि हमने कल भी पढ़ा था देखो, है ना, इस ग्राफ से बच्चा, इस ग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और आप ये देखिए हम ग्राफ किसके वजह से बना रहे हैं, हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के अंदर ग्राफ बना रहे हैं, जैसे आजकल फिजिक्स। हाँ सही बोल, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और आप सभी बच्चों ने देखा कि यहाँ से भी इवन जेई और नीट, आजकल मैं बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा बच्चों, नीट क्या कर रहा है बच्चों, नीट का क्वेश्चन इसी पैटर्न में जा रहा है कि जो आपका आ रहा है बच्चा कितना डेप्थ में से जानता है वहां से एग्जाम पूछता
ठीक है ना। तो बस मैं बोलूंगा आपको 12 बजे इसको रिवाइज करो। ओके फिर क्या बच्चों, गेन देखो ये आपका कुलरॉस लॉ का अप्लीकेशन पार्ट था बच्चों, ये जो हमने पढ़ा था कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी बच्चा आपको मैंने कल बताया था कैसे आपको निकाला। बच्चों जो चीज हमें चाहिए उसको आप ऐड कीजिए, जो चीज नहीं चाहिए बच्चों उसको आप उसको माइनस की दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना। अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन बच्चे क्या होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा। वो बच्चों कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों आपका यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या बच्चों, ये पार्ट आपका के क्या बच्चों, ये आपका डिसोल्यूशन कॉन्स्टेंट है। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी क्या बच्चों, सी आपका कंसंट्रेशन है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, मेजरली इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करते हैं। अगर आपका अल्फा की वैल्यू बहुत छोटा है तो क्या बच्चों का ये डिनोमिनेटर हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं, और आपको के कैसे निकालना बच्चों को निकालना पड़ेगा, के आपको निकालना पड़ेगा सी अल्फा स्क्वायर से। अगर आपका अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो आप के कैसे निकालोगे, के आपका आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अगेन नीचे वाले क्वेश्चन का आपको भी करने की जरूरत है नहीं, खाली आप ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन करने से भी आपका ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछ हो जाएगा, कोई तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। डन मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे तो यस प्लीज आप सारे बच्चे मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन कर सकते, तो आप ऐसे ऐसे तो बच्चों बढ़िया। चलिए अब बच्चों अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी आपको बताने वाला, ठीक है ना। आजकल ये दिख रहा है जो आपको 3.1 दिख रहा है बच्चों, है ना, ये पार्ट ये आपका काफी आईएमपी, सॉरी बच्चा, ये काफी आपका आईएमपी आईएमपी पार्ट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्या आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, क्या यस आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं बार। yes. अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझना, हम इस वाले पार्ट को कैसे करेंगे। तो क्या बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बच्चों इक्वेशंस को ऐड कर, दैट इज हम इसे लिटमर इक्वेशन भी कहते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में आपको यहाँ बोलेंगे कि आप इसका ईएमएफ वैल्यू का, मतलब कि आप डेल्टा जी को यूज करके आप ईएमएफ को निकल, ये आपका आजकल में बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब देखो अब मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन था, प्लीज इसको ध्यान दीजिए ठीक है ना। इक्वेशन क्या बच्चों यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन है Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। इसका वैल्यू क्या बच्चों, मान के चलते हैं इसका इस इक्वेशन का वैल्यू आ रहा है मेरा पास आ रहा है x, क्या बच्चा आ रहा है मेरा वैल्यू x आ रहा है। सारे बच्चे प्लीज ध्यान समझना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये जो पर बता रहा हूं मैं, ये आपका काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वजह से। ओके एक्स क्या बच्चों, ये आपका एक्स वैल्यू है यस ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों जो आपको यहाँ नीचे यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है देखो Fe3+ +3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। इसका इसका इससे क्या वोल्टेज है बच्चों, मांग चलो इसका क्या बच्चों, इसका मांग के चलो ये आपका वाई वोल्टेज है, वी वोल्ट है। अगर मैं इसका वैल्यू तो ये वी वोल्ट अपने आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बच्चों ध्यान से, Fe3+ +इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe2+, इसका वैल्यू क्या बच्चों, इसका वैल्यू मान के चलो जेड, ये आपका जेड वोल्ट का। अब बच्चों देखो ये जो आपका इक्वेशन है, क्या आप इस इक्वेशन में कोई आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है, मुझे बताइए क्या आपको इस इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है, मुझे बताइए आपको यहाँ पे क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। Fe3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव पॉजिटिव और क्या पायल के अलावा कोई और क्या बताएं। हाँ वन दीक्षा बोलिए और जी, बोलिए। रिडक्शन हो रही है नहीं कॉम ठीक है। अब देखो
एग्जाम में, एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछे पहले आप समझिए, ठीक है ना। एग्जाम, एग्जाम ने क्या करेगा है ना, एग्जाम ने क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ ना। एग्जाम ने आपको ऐसा 3 इक्वेशन दे देगा या 2 इक्वेशन दे देगा, आपको क्या बोलेगा कि पहले वाले का एक्स वैल्यू है, दूसरे वाले का वाई वैल्यू है, तो बोलेगा कि इस इक्वेशन का कितना वोल्टेज है, मतलब कि इसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा, इसका कितना वोल्ट आएगा। समझ में बात है, मतलब कि पहले इक्वेशन सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सर, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है सर एफ ई से कैंसिल हो जाएगा सर, मतलब इसको अपोजिट कर दो, पहले वाई रिएक्शन को अपोजिट कर दो, उसमें माइनस वाई आ जाएगा सर, माइनस वाई आ गया और सर यहाँ से एफ ई थ्री पॉजिटिव जो है वो दूसरी साइड आ जाएगा सर, एफ ई थ्री पॉजिटिव दूसरी साइड आ गया, तो सर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो एफ ई थ्री पॉजिटिव के साथ है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सर, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमारा राइट हैंड साइड एफ ई टू पॉजिटिव बचा, तो यानी कि माइनस वाई अब हमें अपोजिट करनी है, मतलब फिर से रेसिप्रोकल करनी है रिएक्शन, यानी कि वाई हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इज द आंसर। अब ऋतुका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन ऋतुका थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा गलती कर दिया, पता क्या, यहाँ पे देखो। अब मान के चलो एग्जाम ने क्या किया, एक अब सारे बच्चे प्लीज समझो क्वेश्चन ना, अगेन बच्चे बोलो ये क्वेश्चन करने में आपको क्वेश्चन करने वाला, तो प्लीज समझिए। एग्जाम ने आपका ऋतुका आपने ना 95% आपने सही बोला, आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, सही करते हो, ठीक है। एग्जाम करेगा थोड़ा, हाँ बता रहे बताओ बता रहे, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन आपको एग्जाम में क्या बोलेगा कि थर्ड इक्वेशन का आप कितना वोल्ट आएगा मुझे बताइए, ठीक है ना, कैसे करना है देखो। अब यहाँ पे देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच्चों, एफ ई थ्री प्लस और इलेक्ट्रॉन है, और राइट हैंड साइड में क्या बच्चों, एफ ई टू प्लस है, राइट। अब यहाँ पे देखो जो आपका सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया बच्चों, देखो एफ ई थ्री प्लस लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपका हो गया। हमें करना क्या बच्चों, हमें एफ ई टू प्लस को राइट हैंड साइड पे लेके आना है, तो इसको मैं कैसे बच्चों लेके आऊंगा, तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ई गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एफ ई 2+, हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने क्या किया बच्चा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैंने खाली इक्वेशन को रिवर्स किया। ऋतु ने क्या बोला, ऋतु ने ये बोला कि मैं सेकंड इक्वेशन रिवर्स करती हूँ, तो आपको सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, हमने पहले वाले इक्वेशन रिवर्स कर दिया, तो जब मैंने पहले वाले इक्वेशन रिवर्स कर दिया तो मेरे वैल्यू क्या बचा गया, मेरे वैल्यू आ गया माइनस एक्स वोल्ट, है ना, सिंपल सी बात है। अगर पहले वाले, अगर आपका उसका अगर एक्स वोल्ट है, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं क्या, आपका वोल्टेज आपका माइनस वाई हो जाएगा। अब बच्चों तो यहाँ पे देखो, अब ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, क्या बच्चों यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन में उसको मैं वैसे कर सकता हूँ, कहता हूं मैं एफ ई थ्री प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एफ ई, राइट, हाँ है ना। इससे कितना वोल्ट है बच्चों, इसका आपका वोल्टेज है, अच्छा ओके ठीक है, बच्चों ये इसका वाई वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब करने के बच्चों, अगर बच्चों देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड कर दो क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ये एफ ई से ये एफ ई कैंसिल हो जाएगा, क्यों बच्चों, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड में, सारे बच्चे हाँ या ना बताइए जरा, हाँ या ना, ठीक है। तो बच्चों क्या आ गया, अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, अभी यहाँ पे लिखता हूँ एफ ई थ्री प्लस, मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे है, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में, क्या करता हूँ मैं इसको, मैं इस साइड लिखा दू, तो क्या क्या बच्चों का आपका 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो, कितना बचेगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और आपका आंसर बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा एफ ई 2+। तो मतलब बच्चों आपने क्या किया, आपने दोनों को आंसर क्या क्या ऐड कर दिया, तो आपका आंसर बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1। 1 के मतलब क्या, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों क्या होगा, ये आपका आंसर, ऐसे भी आपका यहाँ पे आंसर निकल सकते हैं। तो ये आपका पहला मेथड बच्चा, ये आपका पहला मेथड है, और ये आपका दूसरा मेथड है, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो चुका होगा, यहाँ से आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। आई होप आपको ये पार्ट आपको अच्छे से भी समझ में आ रहा है, राइट, हाँ है ना, बताइए जरा।
ओके ओके फाइन ठीक है। अब मेरे पहले बच्चों देखो, अभी यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ पे आपका एक पेज है, पूरा यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया। देखो जो ये फॉर्मूला हमने पहले स्टार्टिंग पढ़ा था, ये फॉर्मूला बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला बच्चों ने पढ़ा हुआ, और ये तो आपका कुल रॉस लॉ, ये भी हमने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है। दूसरा क्या बच्चों, कि आपका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बात की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो क्या बच्चों आएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन अल्फा, क्या बच्चों होता है ये आपका होता है डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, क्या बच्चों का, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगेन आपको खाली ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है नहीं। इनोड सेल बच्चों कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस दिया गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्या बच्चों, ये आपका आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, है ना, और ये आपका कैसे निकालना है। अब बच्चों देखो ये पार्ट, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चों, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। बच्चों अगेन ये दोनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार इसको क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ समझ के कीजिए। डन मेरी बात बच्चों, आई होप मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपरली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस एकदम सर, मैं आपको एकदम स्लो जा रहा हूँ इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशन था बच्चा, लिटिमर डायग्राम वाला, ये वाला देख यस सर, लो देख लो। यस सर, डन। डोंट वरी, अभी हम क्वेश्चंस काफी हम करने वाले हैं ना, अभी आप अपना क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छा अच्छा मजा आए। ओके ये रहा, देखो ये दोनों क्वेश्चन आप बच्चे आपको कंपलसरी आपको याद होना ही चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको क्या बोलेंगे बच्चों, केसी का वैल्यू आपको दे देंगे, आपको बोलेंगे केसी का वैल्यू है 4 × 10⁻¹⁰, है ना, पर आपको बोलेंगे आप सर डेल्टा जी नॉट, मतलब गिब्स में जी निकाल दीजिए, वो भी आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखो ये फॉर्मूला, अगेन ये फॉर्मूला आजकल ट्रेंडिंग फॉर्मूला है, आजकल ट्रेंडिंग जा रहा है, जैसा होता नहीं है इंस्टाग्राम में हो गया, फिर इंस्टाग्राम तो छोड़ो, यूट्यूब में आपका ट्रेंडिंग चलता है, वीडियो चलता है ना, सॉन्ग ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, तो ये क्वेश्चन भी आजकल काफी ट्रेंडिंग में चलता है। तो ये क्या बच्चों, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू क्यू के मतलब क्या बच्चों, चार्ज है, आई आपका करंट है, टी आपका टाइम है। बच्चों यूट ध्यान रहा, आई आपका एम्पियर में आएगा, टी आपका टाइम सेकंड्स में आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो आपका 1 फेराडे में, है ना, आपका 1 फेराडे में 9650 कूलम होता है, कितना बच्चों होता है, 1 फेराडे में आपका 9650 कूलम होता है। अब ये सब 1 फेराडे कैसा आया, अब सपोज करो मैं आपको ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसा कुछ लिख रहा हूँ कि कॉपर 2+ है, कॉपर प्लस टू में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, गेन किया, और क्या बना बच्चों, कॉपर बना, तो यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन फ्रेड गया बच्चों, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 2 फ्रेड गया, तो ओके जितना आपका इलेक्ट्रॉन चेंज होगा उतना आपको फ्रेड उसको मांगे चलना, क्या बच्चों मैंने बोला, जितना आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे इक्वेशन देखो बच्चों, देखो ना ये आपका 1 मोल है और ये आपका 1 मोल है, तो आप क्या बोलोगे सर 1 मोल कॉपर के अंदर, है ना, अगर मैं 1 मोल कॉपर निकाल रहा हूँ तो मुझे इसलिए कितना कितना फ्रेड देना पड़ रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर आप मुझे वहाँ पे आपका 2 फ्रेड लग रहा है, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। सपोज करो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मान के चलो ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए जी, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर कि मुझे 1 मोल सिल्वर निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कितना फ्रेड देना पड़ रहा है बच्चों, आप बोलोगे 1 फ्रेड देना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। आई होप आपको ये आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है, आपको क्या समझा, डन मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अब इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पता क्या बच्चों, इस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल दिया तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी आप अभी अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप उसको आप अच्छे से दिख पाओगे, ठीक है, उसको आप और से आप सर, देख पाओगे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का यूज होएगा, मतलब उस चैप्टर एकदम का से यूज। बोले, एकदम से बोले, एकदम आपने एकदम पॉइंट आपने से बोले,
तो यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बच्चों आपको क्यू इज इक्वल टू आई एन डी करके, क्यू क्या बच्चों चार्ज है, क्यू क्या बच्चों चार्ज, चार्ज मतलब क्या बच्चों कूलम, है ना, ये कूलम निकाल दो। मान के चलो आपको एग्जाम बोलेंगे कि मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ 5 एम्पियर का, मैं 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हूँ, टाइम में निकाल रहा हूँ मैं 1 दिन के लिए, तो 1 दिन में कितना सेकंड होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बोला ना मैंने, सर सही बोला। है ना। तो 24 × 60 × 60, तो 1 दिन में कितना करंट आपका फ्लो बचोगा, 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 24 × 60 × 60, है ना। तो बच्चों ये सब जो मल्टीप्लाई से बच्चों ये पहले से करके रखो। सर 864 00 × 5, हाँ मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया 864 00, है ना। तो आप ये पहले से निकाल याद रखो कि 1 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों, होते हैं इतने आपके सेकंड्स होते हैं। तो एग्जाम में आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े और आप वहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखोगे। ये आपके बेसिक बेसिक है जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूँ। यस सर, ओके ये पढ़ो के देखो। अब देखो बच्चों जब भी आप कभी भी रिविजन करोगे तो बच्चों ये लास्ट का जो पेज है, ये जो आपका जो लास्ट पेज है बच्चों, इस पेज को आपको बार बार अपने पास लेना है। इवन जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करना है इस पेपर को पास रखो। देखो अगेन आपके पास टाइम कम है ना, तो प्लीज जितना हो सके उतना क्वेश्चन करिए, जितना हो सके क्वेश्चन करिए। नीचे आपको वहां पे सोल्यूशन भी दिया होगा, अगर आपको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा तब मुझे भेजिए। कुछ बच्चे मुझे भेजते हैं, है ना, कुछ बच्चे मुझे प्रश्न भेजते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनको मैं आंसर देता भी हूँ, ठीक है ना। ओके तो प्लीज आप क्वेश्चन वहां पे करते रहना, बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डन मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। हाँ 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 मल्टीप्लाई होगा, हाँ प्रीति एकदम सोला, हमें वहां पे हमें 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 कट निकलना है, कुलम निकालना है, कितना कुलम आपने यूज किया तो आपको वहां पे निकालना है। दूसरा क्या बात, दूसरा बात क्या बच्चों, अगर आपका मान के चलो एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन डाला, मान के चलो एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन डाला, तो आपका है ना आप एक डायरेक्ट इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बच्चों क्या देखो, अगर आपको E3 निकालना है, क्या बच्चों निकालना है, अगर आपको E3 निकालना है तो फॉर्म बच्चों क्या होगा, E3 का फॉर्मला होगा मतलब कि वोल्ट निकल के फॉर्म में क्या बचोगा, 3E2 − 2E1, ये करो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ। तो ये बच्चों क्या बच्चों इसको ध्यान रखो, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ आयरन के लिए। सर इसमें तो कोफिशिएंट्स यूज होंगे ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। हां कुछ चलो, हां यूज होंगे, मतलब कि स्पेसिफिक इस क्वेश्चन की बात कर, स्पेसिफिक में इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। ओके सर, यहां पे देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता दूं, कैसा आएगा वो भी आपको क्वेश्चन में बता दूं, ठीक है। डन। अब सारे बच्चे यहाँ पे हमने ये पार्ट को प्रॉपर नोट किया, मैं चाहता हूँ मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, एक बार आप सारे पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक कीजिए इसको जरा, और फिर हम बाद में उसको अच्छे से रिविजन करेंगे। सारे बच्चे प्लीज जिनके आप लोगे प्लीज आप थम्स अप डाल देते, मुझे पता चलेगा, राइट। जिनका लोग अच्छी बात है ना, जिनका हो रहा है प्लीज यहाँ पे, और हाँ अगर आपको दी दिखे तो आप अपने स्क्रीन से जूम भी कर सकते हो, जूम कर सकते हो, ठीक है ना। सर सर एक क्वेश्चन था मेरे पास, जो नॉन्स इक्वेशन का सर हाफ रिडक्शन ऑफ हाफ सेल जो सर जिस जो उसका ग्राफ है सर, वो मतलब मेरे को थोड़ा बहुत अड़ता है सर, बता दो एक बार। ठीक है तो एक काम करते हैं, ठीक है बेटा, जैसे क्लास खत्म होता है ना आप मुझे बता देना, मुझे भी प्रॉपर समझ में आप क्या बोल रहे हो, नॉन्स इक्वेशन ग्राफ। यस सर, नॉन्स इक्वेशन ग्राफ हाफ रिडक्शन हाफ सेल वाला, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला। यस सर, वो कैसे हम निकाल, रिडक्शन हाफ सेल कैसे करते हैं वो आपको बता दो, राइट। यस सर,
मतलब कौन सा डायरेक्शन में जाए, कौन सा ऑक्सीडेशन, वो आपको पता चल गए, है ना। नहीं सर, जो उसका ग्राफ नहीं होता, जो इंटरसेप्ट वाला होता है सर, जो इंटरसेप्ट बताता है कि 2.303 RT अपॉन में NF वाला. हाँ, अच्छा, y इक्वल टू mx प्लस c करके निकालते हो, और उसकी बात कर रहे हो। यस सर, यस और सर. ठीक है, ओके, मैं बराबर, ठीक है, तो वीडियो बराबर, ओके, ठीक। वैसे बेसिक वहाँ से क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात है, हम उसको करते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसको करते हैं, इजी है, नो डाउट करेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए, यस खाली सर. आपको ये, खाली आपको ये देखना है कि स्लोप में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या जाएगा, एक्स में क्या जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है ना। और आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मत, ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, तो ये भी आपको कैसे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कोई आपको दिक्कत वाली बात। यस सर. बेसिक यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो तो आपका आएगा, मुझे लगता है कि केमिकल कैनेटिक्स में वहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वहां पर क्वेश्चन नहीं आता सर, नहीं नहीं सर, वो अनस इक्वेशन वाला जो है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. है। केमिकल अच्छा, इक्विलिब्रियम. नर्स्ट इक्वेशन में केमिकल है, यस सर. केमिकल ओके, इक्विलिब्रियम का तो सर वो दूसरा है ना, ठीक है, केमिकल कोई बात, काइनेटिक्स. ठीक है, हम उसको देखते हैं, कोई बात, उसको हम देखते हैं। अरे हाँ, मुझे, हमें तो वो करना है, क्या फ्यूल सेल पढ़ना है। देख, अब देखो अगेन बच्चों, ये आपको क्वेश्चन, अब देखो ये जो आप बैटरी का पार्ट पढ़ो, अगेन बैटरी वाला जो क्वेश्चन बच्चों, अगेन ये आपको पूरा उसको आपको याद करना है, पूरा आपको मेमोराइज करना है, आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, बैटरी में एग्जाम में क्या पूछा था, फ्यूल सेल पूछा हुआ था, राइट, है ना। और आप उनका क्या बोलते हैं सिलेबस दोगे, तो वहां पे खासकर मेंशन किया था कि फ्यूल सेल से आज लिखा हुआ है, और आपका प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल तो पूछा गया, ठीक है, दो बच्चों होते हैं, तो ये आपका ड्राई सेल आ गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पता है क्या बच्चों, खाली आपको एनोड में क्या है, कैथोड में क्या है, ये आपको पता चाहिए, और आपको ये सेल इक्वेशन पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ड्राई सेल है, स्टैंडर्ड एक्सपोज कितना बचा गया यहाँ पे, 1.5 वोल्ट आएगा, ठीक है ना, ये आपको याद करना है इस सेल केस के अंदर। फिर दूसरा बच्चों क्या, आपके जैसे आपका मर्क्यूरी सेल आ गया, तो मर्क्यूरी सेल में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका जिंक अमलगम ZnHg यूज होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका HG होता है, ओरल सेल रिएक्शन ये पार्ट है, तो यहाँ से एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ZnHg प्लस HGO ये कौन सेल में है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका मर्क्यूरी सेल में आएगा। जिंक में क्या है, कैथोड में क्या है, एनोड में आपका जिंक एच जी, अमलगम में कैथोड में क्या होगा, आपका पेस्ट होगा, आपका HGO का, तो ये आपका INP है। मर्क्यूरी सेल आपका इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी सेल आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, थ्योरी पाई इस पर बता रहा हूँ ना। फिर बच्चा क्या आपका आएगा सेकेंडरी सेल के बारे में आएगा, सेकेंडरी सेल में एग्जाम्पल क्या बच्चों, अगेन लेट सोल्स आपका निकल कैडमियम बैटरी के बारे में, ठीक है ना। तो लेट सोल्स में क्या बच्चों, अगेन ये आपका पूरा सेल रिएक्शन आएगा ना, लेड हम यूज करेंगे, देखो कैथोड में बच्चों क्या आएगा, लेड पैक विद लेड ऑक्साइड ये आपका आएगा, और इलेक्ट्रोड क्या बच्चों आपका 38% आपका H2SO4 हम यूज करेंगे, ठीक है ना, 38% में H2SO4 हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगेन एनोड बच्चों क्या होता है, एनोड में आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और कैथोड बच्चों क्या होता है, कैथोड में आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चा अगेन ये आपका कुछ बेसिक बेसिक है, आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा, और आपको पूरा सारे क्वेश्चन आपको याद करना, ठीक है। फिर क्या बच्चों, अगेन आपका फ्यूल सेल, जैसे आपको प्रॉपरली वहां पे मेंशन किया है कि फ्यूल सेल आपको प्रॉपर बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका ऑर्डिनरी सेल थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट होता है, यहाँ पे कोई आपका वेस्टेज नहीं है, तो ये आपका क्या, ये आपका ग्रीन सेल में आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन बच्चों, कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा, और आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या, ये आपको पता होना चाहिए। कैथोड में बच्चों क्या रहा है, ऑक्सीजन प्लस H2 क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोन से यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। एनोड बच्चों क्या, देखो अगेन ये गेन कर आपका यहाँ पे वाटर बन रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन बच्चों क्या हो रहा है, H2+O2 आपका बन रहा है आपका वाटर, तो ये आपका ग्रीन सेल में काम आता है, तो अगेन ये आपको यहाँ पे सेल रिएक्शन आपको एग्जाम में याद करना है। ये पूरा जो आप सेल करने पढ़ रहे हो, आपको सबका ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आप प्रॉपरली पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है, ये पार्ट से डन मेरे प्यारे बच्चों। यस सर. तो मैं आपको अभी के, आपको अभी के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ, यस यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉलोइंग द सेल रिएक्शन, कि अगेन बच्चों फ्यूल सेल काफी इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में बोल दिया कि फ्यूल सेल एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है, तो फ्यूल सेल अच्छे से आपको रिवीजन करना है। और आपको बैटरीज के सब का, लेड सोलर सेल, मर्क्यूरी सेल का खास, इन सब का आपको सेल रिएक्शन को आपको नोट करना है कि मर्क्यूरी में एनोड में क्या होता है। तो आप बोलोगे जिंक अमलगम पेश होता है, जिंक अमलगम होता है उसके अंदर। कैथोड में क्या होता है आपका, पेश होता है आपका HGO का, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ अभी याद हो जाएगा, हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाओ, लेकिन इसलिए आपको इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर तो हमने बेसिकली हमने ओवरऑल हमने पढ़ाई कर लिया। अब बच्चे हम क्या करते हैं, हम जरा इसको क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जितना हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उतना ज्यादा हम क्वेश्चंस को रियल टाइम में यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यस बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सारे बच्चे यस सर ओके। यस सर तो बच्चों क्या बोला बच्चों, आपको फिजिबल रिडक्शन निकालना है ना, तो मतलब ये वर्किंग है। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, दोनों का ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, एक का -1.81 है, एक का 1.66 है। आपको बच के आपको इन दोनों को सेल को ऐड करके आपको टोटल ई नॉट सेल निकालना है। कैसे निकालेंगे कीजिए बच्चे, सारे बच्चे बताइए कैसे करेंगे। कृतिका बोल रही है सी, पायल बोल रही है डी, तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो हम यहाँ पर डील लिख बोल रहे बच्चों को कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है ना। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू ज्यादा होगा क्या बच्चों का, वो आपका कैथोड में जाएगा, दूसरा आपका एनोड में जाएगा। इनोड से हम कैसे निकालते बच्चों, निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड माइनस माइनस एनोड एनोड निकालते हैं, और कैथोड का लिखो एनोड का लिखो, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे लिखना, चलिए ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, सारे बच्चे। यस सर अब देखो यस थोड़ी देर पहले ही हमने क्या बच्चों तो पढ़ा था, हमने हमने यहाँ पे डेल्टा जी का हमने लिखा, याद किया राइट। तो डेल्टा जी का फॉर्म बच्चों क्या होता है, माइनस माइनस एन एफ माइनस सर एन एफ माइनस ई नॉट सेल राइट, ये हमने क्वेश्चन लिखा था राइट। ओके तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपका ये आपका क्या, ये आपका डायन सेल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे एन की क्या बच्चों, एन की वैल्यू आपका 2 आ गया है ना, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, अब देखो एग्जाम में जो दिया होगा वही करना। अब यहाँ पे 9650 मत यूज करना, एग्जाम में जो दिया है उसे यूज करना। 96487 दिया गया तो 9647 यूज करना। ई नॉट सेल की वैल्यू कोई दी गई है, इन सबको मल्टीप्लाई करें, माइनस आपका साइन है और आपका आंसर आ जाएगा। खाली ये ध्यान रखो यहाँ पे जूल पर मोल है, यहाँ पे किलो जूल पर मोल है, यहाँ पे किलो, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किलो जूल पर मोल में आएगी, जूल पर आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल इक्वेशन है, जल्दी मुझे इसका आप आंसर मुझे बताइए। देखो बच्चों जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं बच्चों, बेसिक सेल रिएक्शन है। आप खुद देख पाते हो बच्चों ये क्वेश्चन, आप ये मत समझ के क्वेश्चन में बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नीट ही बना रहा है। आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, एंड आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से कीजिए, ठीक है। काफी इतना हार्ड नहीं है, काफी सिंपल है, बस आपको जूल किलो जूल का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल से बता दो, ये आपका जूल पर मोल में आपका आंसर है ना।
अगर आपको किलो जूल में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, है ना। और आपका इसका आंसर तो क्या बच्चों, कह रहो कुछ नहीं, 3 डेसिमल लेके आ जाओ, 1 2 3। तो ये आपका आंसर है। आई होप सारे बच्चे लोग को ये प्रॉपर समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं अच्छे से ये पार्ट को। शिल्पा, शिल्पी, हिमांशी, यस रेखा, साक्षी, कनिष्क, नेहा, रिक्शा, धन मेरे। अगेन यस बच्चों देखो ये आएगा, सबने कल हमने क्वेश्चन किया था कुलरोश वाला पार्ट से, है ना। तो काफी सिंपल रिएक्शन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आएगा, इसका आंसर आपका सी होगा। अब तो मुझे कोई, अब तो मुझे आंसर भी याद है, ठीक है ना। तो यस ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, अगेन सी जो ऑप्शन चीज है। आपको चाहिए उसको आप ऐड करोगे, जो नहीं चाहिए उसको आप माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया। यस अब बच्चों इसका मुझे आंसर बताएं, क्या बच्चों बोला। देखो नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड के बारे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, ये बता रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है आजकल क्वेश्चन। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। ओके तो बच्चों यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड के बोलो की बात करिए ना। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे Ca2+ + 2Cl-, राइट, है सीएल ना। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपको कैल्शियम 2+ में, हम बच्चों क्या चाहिए, हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए। तो क्या बच्चों का, अगर कैल्शियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका कैल्शियम बनाएगा, राइट, ये आपका कैल्शियम बनाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात। तो आप ये बोलोगे कि कैल्शियम कितना विड्थ बोला गया बच्चों, यहाँ पे आपका कैल्शियम का विड्थ बोला गया 40 ग्राम पर मोल, मतलब कि 1 मोल में 40 ग्राम बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो 40 ग्राम के लिए आपको 2F फैराडे चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया 20 ग्राम में कितना चाहिए होगा। तो क्या बच्चों का, अगर मैं यहाँ पे 20 ग्राम लेता हूँ तो उसका आधा, तो मुझे कितना फैराडे चाहिए होगा बच्चों, आप बोलोगे मुझे यहाँ पे खाली 1 फैराडे चाहिए, राइट। क्या मैंने सही किया बच्चों, क्या मैंने सही किया। तो अगर मैंने सही किया तो आप थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, राइट, ऐसा हो सकता है। आई होप आप समझो मैं क्या बोलूँ क्वेश्चन समझो को। मैं ये बच्चा करता है आंसर, हाँ बच्चा यस मेरा आंसर सही है, इट्स मोए मोए, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आए। तो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बच्चों बोल रहे, देखो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सिंपल, देखो आप समझे क्या, देखा बच्चों क्वेश्चन सिंपल था, कितना पहले बता लिया जरा, यस सर है ना। आप सर मैंने करा भी था 20/40 के वन मैं क्या बोल मिनट रहा, मैं क्या बोल रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा, ठीक है ना। ऐसा होगा, आपको एग्जाम सच में से होता है ये आप मान के चलिए, कभी कभी हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया, ठीक है ना, हम आंसर कर भी रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, हम या तो आंसर गलत टिक कर देते हैं, है ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा अफसोस होता है। तो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ोगे ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ सर रिपीट कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप यहाँ पे बेसिक क्रॉस मल्टी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या बच्चों यहाँ पे बोला, यहाँ पे आपका कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे दिया है मोटर शीट में, तो अगर मैं कैल्शियम को देखो क्या, ये आपका कैल्शियम 2+ में जाएगा, है ना, कैल्शियम 2+ में जाता है। तो अगर मुझे कैल्शियम 2+ से कैल्शियम जो मुझे मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और बोला क्या बच्चों कैल्शियम वेट कितना होता है, कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम पर कैल्शियम वेट होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर मैं 1 मोल कैल्शियम बना रहा हूँ, अगर मैं 1 मोल कैल्शियम बना रहा हूँ, तो 1 मोल कैल्शियम के लिए मुझे 2F इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, मुझे क्वेश्चन बोला गया कि मुझे खाली 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, तो अगर मैं 2 फैराडे यूज करता हूँ तो मेरा 40 ग्राम बनेगा। तो अगर मैं 20 ग्राम यूज करूँ, अगर मुझे खाली 20 ग्राम ही चाहिए,
मुझे कितना चाहिए, मुझे मुझे खाली आपका 1 फ्रेडी चाहिए होगा, सिंपल सी बात है ना। सर। तो मैं यहाँ पे आंसर, यहाँ पे मेरा आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप सभी थोड़ा बेसिक मिस्टेक से कर दिया, तो ऐसे मिस्टेक को आप, मैं चाहूंगा कि आप अवॉइड कीजिए इनिशियली, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, राइट। क्या क्या ज्यादा डिफिकल्ट था, खाली बेसिक सी है आपका, ठीक है, मतलब बेसिक पर थोड़ा सा अच्छे ध्यान, तो आप ऐसा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगेन ये पूरा पार्ट यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप खाली नॉर्मल से करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके अब बच्चों ये भाई साहब काफी IMP इक्वेशन, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके अब बोला क्या बच्चों, BrO4 है, BrO4 माइनस है, BrO3 माइनस है, HBrO है, BrO, और यहाँ पे ये पार्ट बोला गया, ठीक है ना। अब बोला क्या बच्चों, ध्यान समझो, इन सब स्पीसीज में से कौन सा आपका डिसप्रोपोर्शन में फॉलो करेगा। सबसे पहले बच्चों डिसप्रोपोर्शन मतलब होता क्या है, कि ऐसा स्पीसीज है ना, ऐसा स्पीसीज बच्चों जो क्या बनेगा, चंद्र बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो साइमल्टेनियसली। क्या हो चुका, वो आपका ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और ये आपका रिडक्शन भी कर सकता है, मतलब कि एक ही भाई साहब, एक ही इंसान दो काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर पा रहा है और रिडक्शन भी कर पा रहा है, ठीक है ना। ये आपको समझो, तो ये आपका रिडक्शन भी कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन मतलब क्या, मतलब ये करके ना बच्चों ध्यान दो, ये आपका एक मॉलिक्यूल कर, एक मॉलिक्यूल करके बच्चों वो आपके इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर रहा है और साथ साथ वो क्या कर सकता है बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉन लूज भी करना है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ बोला गया BrO4 माइनस, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी करेंगे, तो बच्चे क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा ब्रोमीन +7 में होगा, ब्रोमीन +7 में होगा। सर अब सिंपल सी बात है, हेलोजन है ना, हेलोजन होता है, हेलोजन की वैलेंस होती है 7। अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा +7 लिखा गया, मतलब क्या बच्चों, इसने 7 इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, समझे बच्चों, ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल क्या बच्चों, ये 7 इलेक्ट्रॉन पहले से लूज कर सकता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो क्या बच्चों पहला वाला तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्यों, हाँ, लेकिन जो पहला वाला क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन दो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर भी रहा है, जैसा आप आगे आगे जाओगे देखो, देखो है ना, देखो यहाँ पे +6 में, यहाँ +7 में, फिर क्या बच्चों देखो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका प्लस, +5 ये आपका +5 में है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो, -1 यहाँ -2 +1, यहाँ पे +1 में होगा, है ना, यहाँ पे 0 में है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका -1 में है, मतलब कि भाई साहब ये तो स्टेबल स्टेट बना रहा है अपने आप को, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अब गेन नहीं कर रहा, क्यों, ये तो स्टेबल बना रहा है, तो इन सब में से कौन दोनों चीज कर सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों या तो अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में तो ध्यान से करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर आपका HBr4 में, क्या बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन लूज भी कर पाएगा, देखो ये आपके इलेक्ट्रॉन लूज भी कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका गेन, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो और वो आपको बच्चों, पेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अब बच्चों बता दो, ध्यान दो बच्चों, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे ई नॉट से वैल्यू करना है, अगर वैल्यू कैसा, अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हमें आपका डिस्प्रूव शो करेगा। अभी मैं आपको इसको, ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज मैं आपको और भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको देखो, ये आपको बता दो इसके। अब देखो अभी आपने क्या बोला, अभी आपने क्या बोला सर, ये क्यों करेगा, देखो अभी आपने आपने सवाल ये था सर, यही क्यों कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता और ये क्यों नहीं कर सकता, राइट, ये सवाल आपका, तो इसका आंसर यहाँ पर है कि बिकॉज बच्चों हमें ये चीज को फॉलो करना है, ई नॉट सॉल्व की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी तो आपका रेसिस पॉइंटिस होगा और आपका डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव, तो ये इसको हमें फॉलो करना है, तो ये फॉलो करिए। देखो देखो दो, यहाँ देखो, अगर मैं देखो HBO को यहाँ पे दे दूँ, क्या बचेगा, यहाँ पे आपका वैल्यू 1.55, इसका वैल्यू इतना आ रहा है, अगर मैं बैक से जा रहा हूँ तब भी वैल्यू क्या बच्चों, तभी आपका वैल्यू पॉजिटिव है, तभी क्या बच्चों, तभी आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देखो ये वैल्यू, ये दो वैल्यू, ये दो वैल्यू यहाँ पर है, इससे निकल क्या होगा, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आया, तो
तो इसका मतलब कि बच्चों ये आपका सेल रिएक्शन देगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आगे करने के बच्चों ध्यान रखना कि स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला तो नहीं करेगा, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा, समझे बच्चों। फिर आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, दिस माइनस दिस, दिस और दिस माइनस दिस, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, ये देखो है ना, इसके तो यहां से यहां जा रहा था कितना वैल्यू था बच्चों, 1.595 था। यहाँ पे देखो था ना, ये था ना, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जब यहां से यहां जा रहा है मैं कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा बच्चों, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन गेन का एक्सेस कर रहा है, देखना। अब यहाँ पे देखो इसके, अब ये देखो क्या बच्चों, ये आपका बैक साइड जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है वैल्यू, ये वाला पार्ट दोनों को माइनस किया वैल्यू पॉजिटिव, तो इसलिए बच्चों ये आपका क्या बच्चों का, ये आपका पीछे करेगा। अगेन बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, उसको ध्यान से करना, ठीक है ना, डिस्प्रोपोर्शनल पार्ट रिएक्शन वाले पार्ट, ठीक है ना। मेजरली मैंने ये भी देखा बच्चों कि ऐसा, ये जो क्वेश्चन बच्चों ये बहुत टाइम बाद एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने नहीं मिली, जितना भी अभी तक मैंने जितने पेपर देखा बच्चों, जितना भी हमने क्वेश्चन किया है, ये मुझे 2015 का है, 18 का है, 18 क्वेश्चन, ठीक है, एक ज्यादा अच्छा है। ओके सर, और बच्चों तो ये क्या है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मोस्टली भी आते भी नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान। ओके चलो ये हो गया। आगे तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन में कल कर लिया था, राइट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी और आपके इलेक्ट्रॉन, हाँ ये हमने कल कर लिया, चलो ये आगे हमने, ये भी हमने कल कर लिया था। ओके अब मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना बच्चे, क्वेश्चन भले JEE का है लेकिन आपका प्रैक्टिस करने के लिए काफी इजी रहेगा। क्या बच्चों, क्या आपने ग्राफ पढ़ा है बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे बताइए। मुझे बताइए एक क्या हो बच्चों का, एक क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या बोलोगे सर, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना। और बी वाला बच्चा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, राइट, ये पार्ट। अब क्वेश्चन बच्चा बोला यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाया था इनकरेक्ट बच्चों, तो वहां पे आपको ध्यान से समझ के पढ़ना है। अब देखो तो यहाँ पे बच्चों बोला गया है एक्स्ट्रा पोलिटेशन, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना जो आपका एक्स्ट्रा पोलिट, इसका मतलब क्या बच्चों, देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो लाइन बच्चों यहाँ पे खत्म होती है, बच्चों हम यहाँ पे इसको डॉट डॉट करके यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे हम जॉइन, मतलब कि ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे लग दिया, तो क्या बच्चों होगा यहाँ पे लगा, तो क्या इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पोलिटेशन। तो बच्चों जो हम एक्स्ट्रा पोलिट करते हैं बच्चों, हम किस लिए करते हैं, हम वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक्स्ट्रा पोलिटेशन करते हैं, वीक के लिए नहीं करते। तो क्या बच्चों का ए, क्या ए आपका गलत, मतलब बी आपका राइट होगा, तो क्या बच्चों बोला गया यहाँ पे देखो, ये हम एक ही करते, क्या बच्चों ए तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कभी एक्स्ट्रा पोलिटेशन नहीं करते हैं, किसे करते बच्चों, हम खाली यहाँ पे हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं। तो ये बच्चा आ गया, ये बच्चा आ गया, सर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इनको रखते फिर, हाँ अगर वो आपका, अगर अगर आपका वो इनकरेक्ट है तो आपको वो आपको एज अ टिक करना है, समझ है? जो इनकरेक्ट है उसको टिक करना है, ऐसे कुछ समझो, मेरी बात समझो बच्चों। अब यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट को टिक करना है। तो देखो सिंपल से बात बच्चों, एग्जामिनर भी करके आ रहा है ध्यान से, मैं आपको बोलूंगा कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि पीतियों क्या आता है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अनामयो क्या आता है, मैं बोलूंगा अनामयो अनामिको को क्या नहीं आता उसको टिक कीजिए, समझे बच्चों। तो क्वेश्चंस इजी आएंगे लेकिन जो क्वेश्चन जो फॉर्मेट होगा ना वो चेंज करेगा। अभी आपका NTA ही कर रहा है, इसका रीजन क्या है बच्चों कि वो ये चाहता है कि बच्चे क्या करें बच्चों, बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ये इसका मेजर क्वेश्चन। रमिता, युवराज, हिमांशी, नीतू, पायल, प्रीति एंड स्नेहा, ताकि सारे बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा बच्चों। यस सर, एग्जामिनर ये चाह रहा है, एग्जामिनर ये चाह रहा है कि वो चाहता है कि आप क्वेश्चन को रीड प्रॉपरली करें, ठीक है ना, क्योंकि MBBS में जब जाओगे तो वहां पे आपको रियल टाइम एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको कभी कभी ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ेगा
जो कि आपने कभी किसी बुक में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। और आजकल यही स्ट्रैटेजी होता है नीट का या जेईई का, क्योंकि आजकल आजकल कोई चाहता नहीं कि हम कि वो आपका रट्टा मार के चल जाए, रट्टा मारना ही नहीं किसी, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों को बोला गया ए क्या, ए से क्या, ए आपका गलत है। तो आपको अभी आपको कौन सा नोट डाउन करना बच्चों, तो आपको इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, इसको आपको नोट डाउन, बच्चों ये आपका सही है और ये भी आपका सही, इसको आपको नोट डाउन करना है। एक ग्राफ लिखना है, देखो क्या लिखा सर बच्चों। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये ऑप्शन होंगे। नहीं वही तो मैं बोला ना अभी, इससे तो अगर आप ये सही करते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता ना जितने का, बिकॉज एग्जाम ने क्या बोला, एग्जाम तो बोला कि इनकरेक्ट को आपको टिक करना है ना, आपको करेक्ट को टिक कर रहे थे तो आपको तो आंसर रॉन्ग हो जाता। आपको नहीं आपको सर मैंने तो बोला था, नहीं सर मैंने बोला था ए एंड सी बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर इट्स आंसर। ठीक है ठीक है, चलो फिर मैं अलग सुन गया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सब ये आपको नोट डाउन करना, ठीक है। तो क्या बच्चों, फॉर वीक फॉर स्ट्रॉन्ग लिटराइट दैट इज लैम्डा एम एम इज स्ट्रेट एंड, क्या बच्चों स्ट्रेट एंड का, और ये आपका सही आंसर है ऑब्वियसली, है ना। ये देखो ये आपका स्ट्रेट एंड आता रहा है, इसके लिए फॉर लैम्डा फॉर एफ एनी लिटराइट एन बी कैलकुलस यूज द इंडिविजुअल साइंस। तो ये भी क्या बच्चों, ये भी आपको सही है, तो इसको आपको नोट डाउन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया, सारे बच्चे देखो नीट 2013 क्वेश्चन है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया बच्चों, लेकिन बहुत ही सिंपल आंसर है। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहले मुझे बताएंगे, आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहले ये बताइए कि एग्जामिनर ने आपको क्या बोला निकालने के, पहले मुझे बताइए। कम ऑन अब मुझे ये बताइए कि एग्जामिनर ने आपको क्या बोला है। बोला हुआ है फाइंड आउट करने को बोले। सारे बच्चे बताइए, हमारे क्लास में खाली ऋतविका नहीं है, बाकी सारे बच्चे भी है, भुवनेश्वर भी है, अनामिका भी है, दीक्षा भी है, नेहा भी, तनिष भी है, सारे बच्चे हैं। प्लीज सारे बच्चे बताइए जरा। बच्चों बताओ क्या निकालना है, सारे बच्चे बताइए चैट बॉक्स में क्या निकालना है आपको। आपने कनकने पूरा निकाल के रखा है, पूरा निकाल के उन्होंने आंसर डाला हुआ है, क्या बात है कनिका, बहुत ही बढ़िया। सर ऐसे तब आता है जब गूगल से आप कॉपी पेस्ट करते हो तब आता है ऐसा। अच्छा हाँ तो फिर गूगल से कॉपी मत कीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन चलिए देखो, मेरा मकसद पता है क्या बच्चों, देखो ये ध्यान रखो, ठीक है ना। चाहे आप अभी गूगल से कॉपी करिए या ना करिए, या आपका लर्निंग फेज, तो लर्निंग फेज में आप जब चीजों करेंगे ना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन बात पता क्या है कि आप क्वेश्चन कीजिए। अभी देखो यहाँ पर निकालना क्या बच्चों, यहाँ पे आपको निकालना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब क्या बच्चों आपको यहाँ पे अल्फा निकालना है। क्वेश्चन में पढ़ते बोल के लिखो क्या बोला बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी दिए, कितना दिया बच्चों 9.5 दिया गया, ठीक है ना। इन्फिनिट डेसिमल मतलब क्या बच्चों, आपको बोलेंगे लैम्डा एम नॉट इन्फिनिटी, ये होता है। तो अल्फा की फॉर्म बच्चों क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ऑन इन्फिनिटी, दैट इज मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाई मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डायरेक्शन। क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है बच्चों, हाँ या ना। क्या मैंने यस फॉर्मूला सही लिखा है, ओके। अगर मैंने फॉर्मूला से तो आंसर बच्चों क्या आ गया, तो 9.54 डिवाइड बाई 238। ये अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ अभी बताओ आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली क्या बच्चों का, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम लगेगा, राइट, ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, क्यों बच्चों, बिकॉज़ क्या ये यहां पे आपका परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया, तो भाई यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करना नहीं बच्चों, ठीक है ना।
चलिए चलिए कोई बात। बच्चों क्लास में ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है, वो मैटर, मैंने क्या बोला बच्चों, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। मैंने क्या बोला बच्चों, अरे बच्चों मैं आपको वापस एक चीज कॉमन से वापस बताती हूँ, मैटर ये नहीं करता ठीक है ना, मैटर बस अभी यही करता है, ये जो आपका लास्ट फेज में एग्जाम में चल रहा है, आप प्लीज मेरी बात समझे ठीक है ना। जब हम स्टूडेंट थे हमारे सभी हमको ये बोलते मैटर ये करता कि आपका स्कोर आप कैसे एमबीबीएस जाए, आपका स्कोर कैसे बढ़े, खाली अभी आपको वही फोकस करना चाहिए ठीक है ना। समझे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को रात में पढ़ने मजा आता होगा, ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को सुबह पढ़ने मजा आता होगा, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी बच्चे को खाने खाने बाद समझ में आता होगा राइट, तो डिपेंड वो आपको करता है। चलिए तो बच्चों देखो ऐसा आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा और आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, और आपको इसको क्या बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बच्चों का ये आपको इसके परसेंटेज फॉर्म में दिया ठीक है। तो बच्चों देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से करें। चल मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके बहुत बढ़िया, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगेन बच्चों नीट 2012 में क्वेश्चन, अगेन बच्चों ये आपका नीट 2012 क्वेश्चन है ठीक है, तो प्लीज सारे बच्चे अच्छे से करेंगे इसको। बोला के बच्चों आपको लिमिटिंग मोनोक्रोमेटिक निकालना है NH4OH के लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको निकालना है लिमिटिंग मोनोक्रोमेटिक, निकालिए बच्चे सारे बच्चे। इतना फास्ट आंसर दे रहे बच्चों, एग्जाम में थोड़ा वेट करना, ऐसा नहीं कुछ देर टिक टिक ऐसा मत करना है, तो पढ़ना ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ रहे हो ना। यस सर। सर यहाँ पे तो आप रीड कर देते हो ना। ठीक है, अब से मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा ठीक है ना, अब आप खुद रीड करेंगे। डन, यस सर। यस सर। यस। ओके डन मेरे प्यारे बच्चों, तो यस बच्चों आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया ठीक है ना। चलिए आई गेस ये सेम क्वेश्चन ऑफिस रिपीट हो चुका है ना, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। सर अब जब तक नहीं आ जाएगा तब तक रट्टा मारेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिए बच्चा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे बच्चे यहाँ पे देखो, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिमर डायग्राम से मतलब कि जो हमने आपको मतलब वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बच्चों सारे बच्चे अगेन बच्चों बोल रहे हैं नीट 2011 पूछा पूछा है, IMP क्वेश्चन बच्चा, ये आपका IMP क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ही ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन का आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। दीक्षा कैसे किया बच्चा बताओ जरा, आपने कैसे किया आपने पहले मुझे बताइए, मेथड बताइए ऑप्शन सी कैसे किया आपने, बताइए कैसे किया आपने। कैसे किया, चलिए बच्चों ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज सच्चे ध्यान समझिए ओके, सारे बच्चे इसको ध्यान से समझिए सारे बच्चे ओके। हाँ है ना, बोलिए बच्चों यस यस सर। ओके। हम यहाँ पे डेल्टा जी का फॉर्म यूज करेंगे, क्या बचता है -NFESN राइट, यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं,
तो अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो पहले इक्वेशन में डेल्टा एच इक्वल क्या बचाएगी? आप बोलोगे वहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और पहले इक्वेशन का वोल्ट कितना बचा? 0.5। तो मेरे इक्वेशन बचो क्या बनेगा? -1F 0.15। तुम्हारा आंसर बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे डेल्टा जी वन की मेरे वाली क्या आंसर आएगी? आप बोलोगे -0.15F। ये मेरी डेल्टा जी वन की वैल्यू है, ये आपका डेल्टा जी टू मान के चलो बच्चों, है ना। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है और वोल्ट कितना बच्चों? 0.5, राइट। तो मेरा यहाँ पे डेल्टा जी टू कितना आएगा? -NF E cell E naught cell। तो क्या बचेगा? -1 × F इंटू इसकी सेल वैल्यू कितने बच्चों? 0.5। तो 0. यार अब यहाँ पे देखो तो इसको सॉल्व बच्चों कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं तो -0.50 F आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो अगर मैं इसको पूरा मिटा दूं, है ना, और यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों की वैल्यू क्या है? -0.50 F आ गया, है ना। ये डेल्टा जी वन की वैल्यू आएगी। निकालना क्या बच्चों? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि कॉपर टू प्लस कॉपर निकालनी है। तो बच्चों अगर आप डेल्टा जी वन को और डेल्टा जी टू को दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, अगर आप पहला इक्वेशन और दूसरे ऐड कर दो तो बच्चों क्या बनेगा? देखो ऐसा कुछ है, कॉपर टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर प्लस। अगर मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे ना ऐसा क्वेश्चन का आने का चांस ज्यादा है, आप प्लीज समझिए, जितना समझो उतना अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों? कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। अगर मैं दोनों क्वेश्चन को ऐड करूँ, अगर मैं दोनों क्वेश्चन को ऐड करूँ तो बच्चों क्या आएगा? आप बोलो सर कॉपर कॉपर प्लस कैंसिल हो जाते बच्चों, क्वेश्चन में ऐसा बन जाएगा कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स विल गिव कॉपर, ऐसा कुछ बनेगा। ओके अगर मैं इसका डेल्टा जी निकालू तो इसका डेल्टा जी बच्चों कैसा आएगा? आप बोलोगे डेल्टा जी थ्री आ जाएगा -2F E naught cell। कैसे ना बच्चों बताओ जरा, बिकॉज यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं इस क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन चेंज है तो यहाँ पे -2 आ गया। एफ तो सब में कॉमन ही है तो जान दो, आपको निकालना है बच्चों, आपको यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों ये आंसर आपको कब आया? जब आपने दोनों को ऐड किया। तो इसको आप ऐसे तो आप इसको ऐसे लिखोगे दैट इज डेल्टा जी थ्री कैसे मिला बच्चों? जब आपने जी वन को और जी टू को ऐड कर दिया तभी मिला ना। हाँ या ना बताइए बच्चों, आपको डेल्टा जी थ्री कब मिला? जब आपने दोनों को ऐड किया। तो जो आपने ऐड किया उसका वैल्यू क्या बच्चों? आप बोलोगे -2F E naught cell इज इक्वल टू डेल्टा जी वन। डेल्टा जी वन की वैल्यू बच्चों क्या है? आप बोलोगे -0.15F प्लस ब्रैकेट में बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, 0.50 ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं -F कॉमन निकाल लेते हैं सबसे। तो अगर मैं सबसे -F कॉमन निकाल लूँ, है ना, तो मेरा आंसर बच क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा बच आएगा, ये माइनस कैंसिल करो एफ कैंसिल करो, माइनस कैंसिल एफ करो, सब माइनस एफ कैंसिल कर दो, तो बच क्या बनेगा? 2 E naught cell इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.50, ठीक है ना। तो इसको ऐड करके बच्चों कितना आंसर आएगा? 0.65 आंसर आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 times of E naught cell। हमें बच्चा क्या चाहिए? हमें चाहिए ई नोट सेवल चाहिए। तो क्या बचोगा? इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0.325 आंसर। तो क्या बचेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप तो बच्चों आप ये देखिए, आप बच्चा भी ये देखिए कि सोचो कितना लंबा आपको चेंज करना पड़ रहा है। आप सोचो कि मैं तो सर हूँ, राइट, है ना, मैं तो आपको समझाना पड़ रहा है। जब आप एग्जाम में करोगे कितना आपको लंबा प्रोसेस होगा? तो मेजोरिटी बच्चे क्या आंसर करेंगे? मेजोरिटी बच्चे सारे आंसर ऑप्शन बी को, क्यों? दोनों को ऐड करने से
है ना, दोनों को ऐड करने से क्या हुआ, मेरा आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, दोनों इंडोर सेल को ऐड कर दो, तो कुछ क्या होगा करोगे तो आंसर आपको जाए नेगेटिव, आपको यहाँ पे नेगेटिव वन मार्क्स, मतलब कि आपका -5 मार्क्स उड़ जाए। देखे हो, समझ ही समझ बच्चों, अगेन अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वापस बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने दोनों इनोट को ऐड कर दिया, तो बचे क्या रहेंगे, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन जब हम पूरा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे तो 2 आ रहा है, हमें क्या हमें खाली इनोट को चाहिए, तो क्या होगा उसको डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस बता रहा है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अभी अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हमने कैसे किया और समझिए। सर मैंने तो दोनों वैल्यूज को सीधा ही डिवाइड कर दिया था। डिवाइड कर दिया? यस सर, तब भी ये मतलब 3 वैल्यू आ रही थी। सर मैंने ये देखा कि CO2 पॉजिटिव प्लस सर मतलब हमें CO निकालना है, CO2 पॉजिटिव और CO निकालना है, तो सर दोनों को ऐड करो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 इज द एन फैक्टर, तो सर उधर से 0.325 डायरेक्ट आ गया। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, आप एकदम सही बता रहे हो, मुझे आपको एक सही मेथड बताना है ना, आप एग्जाम नो डाउट आप ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, नो डाउट है ना। लेकिन आप सोचिए, जब हम आयरन वाला कर रहे हैं, जब हम आयरन वाला केस करते हैं, क्या उसमें ऐसा हो रहा था बच्चों, उसमें थोड़ा सा अलग हो रहा था, हमने नोटिस नोटिस किया कि नहीं किया, जो आपका आयरन वाला था उसमें हम थोड़ा अलग किया। तो एग्जामिनर सेम क्वेश्चन, देखो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, देखो और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये तो अलग है, छोड़ो। ओके ये क्वेश्चन करो बच्चा, दो दस क्वेश्चन कमर कीजिए क्वेश्चन। बोलो आ रहा है, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विथ कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड इज इतना रहा, तो निकालना क्या आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, किलो जूल पर मोल, कैसे निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। माइनस NF ई नॉट डेल्टा, फॉर्मूला बच्चा क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल, एकदम से बोला, बहुत बढ़िया। तो एन की वैल्यू क्या आएगा, एन कितना आएगा, वन आएगा पक्का। अरे बच्चों देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिल्वर है और कॉपर है, सिल्वर में एक आ रहा है, यहाँ पे कॉपर, तो आपको टू बनाना पड़ेगा ना, यस तो आपको एन फैक्टर 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। आ रहा सबका आंसर, यस सर, चलिए ओके। ये आपका सिलेक्शन है एंड आपका 2 है, बिकॉज़ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, और आपने कुछ क्या, आपने इसको क्लोज कर दिया, कुछ क्लोज मतलब क्या बच्चों, 1000 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 माइनस 88.7
यहाँ पे आंसर में 18 तो ऑप्शन दिया है, सर ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। तो आप ये देखिए बच्चों, देखो क्वेश्चन में इतना लंबा कुछ चौड़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना, आप खुद देखिए एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछ। चलिए इसका आंसर निकाल, नेट 2009, चलो अब निकाले इसका आंसर बच्चों, इसके क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे बच्चे, है ना। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा मीडियम से हार्ड लेवल की तरफ है क्वेश्चन वाला, बिकॉज पूरा आपका ये पूरा आपका मेंटल गेम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मीडियम से हार्ड वाला क्वेश्चन है पार्ट, और आप नॉर्मल मेथड लगाओ तो आपका आंसर रॉन्ग ही आने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांस अभी ज्यादा है। आपका टाइम खत्म हो गया, ऑप्शन बी इज इन इट, ऑप्शन बी मुझे आइडिया नहीं, मुझे तो निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आता हो, आप यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको यहाँ पे डेल्टा जी की यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। समझे बच्चों, यस सर, यस सर, अब यहाँ पे देखो ये कॉपर प्लस जो लेफ्ट साइड बची है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स को तो क्या बचेगा, -0.153 वोल्ट बन जाएगा, बिकॉज प्लस में है ना यस तो माइनस बन जाएगा। हर्ष बोल रहे ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्या करो, अभी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, है ना, वो करो, है ना, ओके। अब इसको ये रिवर्स कर, अगर आपको इसको हम रिवर्स कर दो कैसे बच्चों, ऐसा बन जाएगा कॉपर प्लस प्लस गिव्स इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर 2+, ऐसा बनेगा सेकंड इक्वेशन, राइट। मैंने रिवर्स कर दिया, देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो -0.153 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन क्या बच्चों, पहले वाला कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, अब देखो इसका वैल्यू क्या बच्चों, इसका वैल्यू है 0.337, ओके। एक काम करते हैं, इसको इसको हटा देते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो क्या बच्चों कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, मेरा आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले को रिवर्स किया, तो इसका डेल्टा जी क्यों क्या आएगा, इसका डेल्टा जी क्यों आएगा, क्या डेल्टा जी क्या आएगा, आप बोलोगे -NF E0 सेल, एफ को हटा दो, एफ को सबसे कम हट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, बिकॉज -1 भी है और -E वोल्ट भी, तो क्या यहाँ पे आपका प्लस, क्या यहाँ पे आपका प्लस में आएगा 1.53, डेल्टा जी टू बच्चों क्या आएगा, क्या आएगा, आप बोलोगे सर माइनस माइनस 2 × 0.337, ये करना पड़ेगा, इसके वाले क्या बच्चों की यहाँ पे आगे -N1 -1 E0 सेल, है ना। तो आपने ऐड किया तो क्या आंसर है, देखो 0.153 प्लस माइनस आएगा, अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, है ना, दोनों को हमने ऐड किया, क्या दोनों ऐड किया तो क्या होगा, दोनों ऐड कर क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 × 0.33 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, दोनों को ऐड करो, जो भी आप यहाँ से माइनस वन करो तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, तो चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फटाफट क्या आंसर आ रहा है बच्चा, 2 पॉइंट,
जीरो पॉइंट फाइव टू रुको जरा, हाँ मेरा आंसर आ गया। आप सबने क्या वापस बता, आप सबने क्या आंसर बोला? कोई बच्चा बोल रहा डी, तो कोई बच्चा बच्चा बोल बोल रहा रहा डी बी, जीरो कोई बच्चा पॉइंट बोल ए फाइव भी बोल टू रहे हैं। कितना पॉइंट कितना फाइव आंसर आ टू गया? ऑप्शन डी आना चाहिए, ऑप्शन डी आना चाहिए। यस यस सर। ऑप्शन डी जाएगा। ठीक, अब बताओ क्या आप रेगुलर मेथड से इसको कर पाते हो? बताओ जरा। नो नो सर नहीं कर ले तो थोड़ा से बोलो, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। आपको मैंने मेथड बता दिया कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया कि आपको क्या चाहिए। देखो आपको कॉपर, जो कॉपर प्लस है बच्चों, उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। अब यहाँ पे कॉपर प्लस का है बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा आपको? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करो तभी तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा ना, तो वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू नेगेटिव में आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसी फॉर्मेट में आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो बच्चों यस, अभी टाइम भी काफी हो जा रहा है ना? अच्छे से पढ़िए। सर, आज इसकी कोई ट्रिक है जो 1 सेकेंड टाइप नहीं, में? ऐसा नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं किसी, थोड़ा सा लगना पड़ेगा। और ये अगेन बच्चा बोल रही है, थोड़ा टर्निंग क्वेश्चन, ओके टर्निंग क्वेश्चन है। अच्छा बाकी क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो नीट में पूछा गया था, देखो है ना, बाकी सब क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। मैं आपका सोल्यूशन भी आपको, देखो ये देखो दो नीट जी 2022 से पूछा, देखो ऑनलाइन में। ओके अब बोला है कि व्हाट इज द फ्रेड में चाहिए आपको, आंसर फ्रेड में चाहिए। Cr2O72 माइनस से क्रोमियम 3 प्लस जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसका क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर निकालिए। बताओ क्या आंसर है? लास्ट क्वेश्चन सर प्लस क्रोमियम है सिक्स ना, तो आप बोलोगे बच्चो ये आपका +6 है, तो बच्चों +6 में से +3 बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है बच्चों यहाँ पर? यहाँ पे है ना, आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन में चेंज जा रहा है, तो आंसर बच्चों क्या आएगा? 3F आना चाहिए। क्या आंसर है? ओके सॉरी, ये भी है कि हमको इलेक्ट्रॉन एटम में बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 2 क्रोमियम है और यहाँ पे आपका 1 क्रोमियम है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे? 6 रेड आएगा। बिकॉज आपको आप यहाँ पे एटम को बैलेंस करना पड़ेगा तब जाके आंसर। देखो यहाँ पे कैसे मैंने भी गलती कर दी, राइट? आपने भी नोटिस कि नहीं किया? सारे बच्चे बताओ, हमने यस हम देखो मुझे आंसर आ रहा था, मैंने भी जल्दी जल्दी में मैंने सही कॉन्सेप्ट भी सर मैंने लगाया। नोटिस करा लेकिन मेरे को लगा टीचर इज ऑलवेज राइट सो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता, वही बोला ना मैं। देखो अभी मैंने यहाँ पर 3F मतलब कि मैंने क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन टाइम जल्दी है, तो मैं टाइम मेरे माइंड में क्या था, टाइम खत्म हो गया तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो इस मोमेंट में क्या होता, सोचो अगर हमसे छोटी छोटी गलती हो जा रही है, तो आप तो बच्चों ऑब्वियसली बच्चे ही हो, राइट? तो प्लीज एग्जाम में थोड़ा सा इस सब चीज को ध्यान रखना, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ये नहीं दिखा कि यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पे 1 ही क्रोमियम है, क्रोमियम को तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा है ना। ऐसे तो बच्चों इसको थोड़ा सा प्लीज अच्छे से आप ध्यान से कीजिए, समझिए समझ। ओके तो इसी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके चलिए, आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा और आपने कुछ नई नई चीजें सीखी होंगी, खासकर इस वाले पार्ट से, ठीक है ना? यस ठीक है, चलिए तो बच्चों चलो को हम उसका आंसर देखना था, वो जो लास्ट में आपने वो करवाए थे ना क्वेश्चंस मतलब दिखाए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने आपसे पूछा था इसका बी ए ऑप्शन क्या। दोस्तों को बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे।